हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे हुकूमत पंजाब और नैप के दरमियान जो जंग जारी है। पंजाब में बहरान बढ़ता जा रहा है और इम्कान है कि पंजाब में मजीद बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। हुकूमत पंजाब और नैप के दरमियान पंजाब में जारी जंग मजीद बढ़ती जा रही है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी और बहरान बढ़ता शुरू हो जाएगा। पंजाब की आधी ब्यूरोक्रेसी जो कि एहतजाज पे है अहद चीमा की गिरफ्तारी के बाद से, बावजूद इसके कि हुकूमत पंजाब ब्यूरोक्रेसी से अपील कर चुकी है कि वो एहतजाज खत्म करके काम पर वापस आ जाए, लेकिन अभी तक कोई इम्कान नजर नहीं आता और कुछ पता नहीं है कि क्या ब्यूरोक्रेसी कल से अपने दफातर पर वापस आएगी, क्या दफातर को लगे हुए ताले खुल जाएंगे। उधर आहत चीमा के बाद एक और अहम शख्स शाहिद शफीक जो कि ठेकेदार है, आशियाना हाउसिंग स्कीम का 14 अरब का ठेका उसने हासिल किया और उसकी कंपनी जो कि बिस्मिल्ला इंजीनियरिंग है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सी कैटेगरी की भी जेली कंपनी थी और इसको 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का ठेका देने का कानूनी अख्तियार हासिल नहीं था, लेकिन आहत चीमा की वजह से 14 अरब का गैर कानूनी ठेका इसको दिया गया। शाहिद शफीक जो है अब नैप की हिरासत में है, कल उसको एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और यह भी कहा जा रहा है कि बिस्मिल्ला इंजीनियरिंग, स्पार्को और चाइना फर्स्ट मेटलॉजिकल ग्रुप, इनका एक गैर कानूनी वेंचर बनाया गया कासा के नाम से, जिसके मालिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम को रद्द किया है। लेकिन बहरहाल इल्जाम ये हैं कि ये ज्वाइंट वेंचर ये भी गैर कानूनी बनाया गया और आशियाना हाउसिंग स्कीम में जितना भी पैसा इकट्ठा किया गया लोगों की तरफ से, आम शहरियों की तरफ से, वो खुद बुद करके खा लिया गया। नैप का यह भी इल्जाम है कि अहद चीमा की वजह से कौमी खजाने को 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हुकूमत पंजाब शदीद बरहम है अहद चीमा की गिरफ्तारी, शाहिद शफीक की गिरफ्तारी। इम्कान यह भी है कि पंजाब में आइंदा हफ्तों में मजीद बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। उधर नैब हुकूमत पंजाब का मौकिफ मानने से इनकारी है, वो कहती है कि नैब जितनी भी कार्रवाइयां कर रही है, जितनी भी गिरफ्तारियां कर रही हैं, वो कानून के जुमरे में आती है। ये तो नून लीग हुकूमत पंजाब की दास्तान है। उधर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पंजाब के बड़े रहनुमा अब्दुल अलीम खान, जिन पर भी काफी माली बदउनवानियों के इल्जाम हैं नैब की तरफ से और ऑफशोर कंपनियों के हवाले से तफसीलात फराहम न करने का इल्जाम है, उन्हें भी नैब ने कल बुला लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए सिंध में, वो भी नैब से खुश नहीं होती, लेकिन पंजाब में नैब से बड़ी खुश है। पीपल्स पार्टी ने आज शरीफ बरादरान को आड़े हाथों लिया है। एतजाज अहसन साहब ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लाडले नहीं बल्कि बिगड़े हुए लाडले हैं। तो जनाब इन सारे मामलों पर बात करेंगे, मेरे साथ होंगे पंजाब के वजीर कानून जनाब राउल्ला साहब, पंजाब में ओपोजिशन लीडर जनाब मियां महमूद रशीद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई काबिल एहतराम मरकजी रहनुमा हैदर जमान कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर सहाफी तज्जियाकार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब ज्वाइन करेंगे। मियां महमूद रशीद साहब, सर आपकी तरफ आएंगे, एक तरफ पंजाब में नैप सरगर्म है हुकूमत पंजाब के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ, दूसरी तरफ अब्दुल अलीम खान को भी कल तलब कर लिया गया है। देखिए मैं समझता हूं कि नैब को जो भी बुलाए उसे उसमें जाना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड नैब अपने जो आईनी इख्तियार हैं उनको इस्तेमाल करते हुए करप्शन के खात्मे के सिलसिले में कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई सियासतदान हो, उसको बुलाए और अपनी तसल्ली करे। जो अहद चीमा गिरफ्तार हुए हैं, इसके गिरफ्तारी के ऊपर नैब ने पहले इन्हें 2-3 नोटिस दिए और वो वहां पेश नहीं हुए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के ऊपर जो रिएक्शन हुकूमत पंजाब की तरफ से आया, वजीर आला की तरफ से आया, वजीर कानून की तरफ से आया, वो समझ से बाहर है।
इतना ज्यादा रिएक्शन, एक शख्स जो करप्शन के इल्जाम में पकड़ा जाता है, बजाय इसके कि आप उसको सस्पेंड करें, मुअत्तल करें, रातों रात उन्हें ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और एक अफसर की गिरफ्तारी पर एक पंजाब काबीना का इजलास मुनक्द होता है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती, और वहां उसे शाबाश दी जाती है, उसको तमगा दिया जाता है उसकी खिदमात के इवज में। मैं समझता हूं कि उसे तो मुअत्तल किया जाना चाहिए था। आम रूटीन के अंदर भी जब किसी अफसर के ऊपर इस तरह का कोई इल्जाम लगता है बदनमानी का, तो उसको सस्पेंड किया जाता है, और वो उस वक्त तक सस्पेंड रहता है जब तक उसके मामलात सारे, उसकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती और वो बेगुनाह करार नहीं पा जाता। ये अनोखा और लाडला अफसर है कि इसके कहने पे पूरी ब्यूरोक्रेसी भी हरकत में आ जाती है, और इसको पूरी एक सियासी जमात जो है उसकी पुश्त पे आकर खड़ा हो जाती है। ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया है हुकूमत पंजाब का, वजीर आला पंजाब का, और जिस तरीके से ये दर पर्दा अफसरान को, ब्यूरोक्रेसी को शह दे रहे हैं कि वो हड़ताल कर दें, वो तालाबंदी कर दें, इससे मैं ये समझता हूं कि रियासत के जो सुतून है वो बिल्कुल लर्ज रहे हैं कि क्या हुक्मरान करप्शन के खात्मे की बात करते हैं और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि एक पाई भी अगर हमसे जो है ना, हमने करप्शन की हो तो आप एहतसाब करो। जब किसी का एहतसाब शुरू होने लगता है तो आप वावेला मचा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फैसला करे तो वो सारे जजेस के ऊपर लश्कर कशी आप कर देते हैं, माँ बेटी भी और वालद भी और चचा भी और वजीर भी हथौड़े लेके सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ते हैं। नैब अगर कोई यहां पर पंजाब के अंदर अगर बदनवानी के खात्मे का आगाज करती है तो मैं समझता हूं इसके ऊपर भी सब चढ़ दौड़े हैं कि नैब ने ये क्या कर दिया। तो ये एक नॉर्मल रूटीन के अंदर एक वाकया होना चाहिए था। सिंध के अंदर सेक्टी पकड़े गए हैं, बलोचिस्तान के अंदर सेक्टी पकड़े गए हैं, ग्रेड 21 के अफसर पकड़े गए हैं, वहां तो इस तरह की खलबली नहीं बची, और इस तरह से हुकूमतें उन अफसरों के पीछे नहीं आए जिस तरह पंजाब के अंदर हुआ है। तो पंजाब ने दो दिन पहले राणा सनाउल्ला ने ब्यूरोक्रेसी से अपील की है कि जी आप काम पे वापस आ जाए, आप कल मंडे है, वर्किंग डे, देखती है ब्यूरोक्रेसी वापस आती है कि नहीं आती। हैदर जमान साहब, एक तरफ हुकूमत पंजाब ब्यूरोक्रेसी से रिक्वेस्ट करती है काम पे वापस आ जाए, दूसरा जैसे कि मियां साहब फरमा रहे हैं कि दरे पर्दा सपोर्ट भी कर रहे हैं इस एहतजाज को, तो जब आप पंजाब काबीना का इजलास बुला के एक हैंडआउट, एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे कि जी आहत चीमा की हिमायत में, तो फिर ब्यूरोक्रेसी को तो शह मिलेगी। हैदर जमान साहब, बहुत शुक्रिया गरीदा, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। मियां साहब ने जो बातें की, मैं उसी के तसलसल को आगे लेकर चलूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातों पर अपना इजहार ख्याल किया। देखिए, ये सारी जो ऑर्केस्ट्रेटेड एहतजाज है, मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेसी की कहाँ इतनी जरूरत होती है, ये इस सूबे की ब्यूरोक्रेसी जो सांस भी शहबाज शरीफ साहब से पूछ कर लेती है, जो रात को 12 बजे या सुबह 4 बजे बुला लिए जाते हैं और बेइज्जत किए जाते हैं मीटिंग्स के अंदर, यानी इनमें इतने कहां से ताकत आ गई, इनमें इतना क्या शऊर आ गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या अगर हम ये मान भी लें मफरूजे के तौर पे, तो ये जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है और उनकी जो रेजोल्यूशन है, आपने वो पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम जो हैं, हमारी तजलील हुई है, यानी क्या तजलील हुई है, इस मुल्क में चीफ जस्टिसेस को गर्दन से पकड़कर सड़कों पर रौंदा गया, आपने देखा इस मुल्क में दीगर सूबों में सिविल सर्वेंट्स जो हैं, अरेस्ट इज एन अरेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिलिएशन, और आपने बलूचिस्तान में देखा कि एक सेक्रेटरी के घर से उसके कब्जे से अरबों रुपए कैश बरामद हुआ, तो ये बिल्कुल एक स्टेट के खिलाफ बगावत करवाई जा रही है सिर्फ इसलिए कि इनका अब अंतिम संस्कार होने वाला है, इनका जो कच्चा चट्टा है वो खुलने वाला है, और आपने ये देखना है कि हर गुजरते दिन के साथ कि ये चीजें किस तरफ जाती हैं। और आप ये देखिए कि कैबिनेट उसको कहती है, उसके बाद वो रेजोल्यूशन पास करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे लिए एक सर्विसेज ट्रिब्यूनल बनाया जाए, हम वो पहले ब्यूरोक्रेट को डिमांड देते हैं, फीस निकालते हैं, आप लोग कौन है, आप सरकार के मुलाजिम हैं। और गरीदा, मैं दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूं कि ये वो अफसरान जो है, अगर कोई मुहज्जब माशरा हो या गवर्नमेंट ऑफ द डे हो, दे शुड बी इमीडिएटली मेड, जितने ये लोग ताले लगवा रहे हैं इनको सबसे पहले ओएसडी लगाएं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये परसों डिमांड कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन तमाम अफसरान को जनरल इलेक्शन तक कोई पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि और इनके नाम डलने चाहिए ईसीएल पे, ये एक कार्टेल है, यानी 2008 में
8 पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी पंजाब गवर्नमेंट की, आज 2018 में 56 का तो सिर्फ केस गया है, 118 पंजाब में हो या पीपल्स पार्टी सिंध में हो, नैब से कोई खुश नहीं होता। नैब ने जब सिंध में कार्रवाइयां की थी तो आप लोग नैब के खिलाफ एक बिल, एक कानून असेंबली में ले आए थे, सिंध असेंबली में, मुझे इस पर भी बात करनी है। इफ्तिखार अहमद साहब, कमिंग टू यू, हैदर जमान साहब ने जो कहा और हम तक भी जो खबरें पहुंच रही हैं इस वक्त जराए से, वो ये है कि आइंदा जो हफ्ते आ रहे हैं उनमें पंजाब में मजीद बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो आप क्या देखते हैं कि होने क्या जा रहा है? नंबर वन, क्या ब्यूरोक्रेसी वापस आ सकती है अपने कामों पर, या ये जो एक बहरान है पंजाब गवर्नमेंट और नैब के दरमियान, ये मजीद बढ़ेगा, शहबाज शरीफ के लिए मजीद मुश्किल पैदा हो सकती हैं? ये लोग वापस मंडे से ऑन ड्यूटी होंगे। अच्छा। जो वाकया हुआ वो फौरी रद्द अमल था, और जिस तरीके से नैब में जाके दफ्तर मुलाकात के बाद वो हरकत की, उस पर उनका रद्द अमल था, उसका इजहार उन्होंने किया, और दे विल बी बैक ऑन देयर ड्यूटी बिकॉज दे आर हियर टू सर्व द पीपल। उनका जो उनकी जो गुस्सा था वो ये था कि हमें किसी के साथ मुंसलिक ना किया जाए, ना तो हम शहबाज शरीफ की ब्यूरोक्रेसी है, ना परवेज खट्टक की ब्यूरोक्रेसी है, हम किसी चीफ मिनिस्टर की ब्यूरोक्रेसी नहीं है, हम ब्यूरोक्रेट हैं अगर तो हम सरकार के हैं, और हमारा जो ये तलक बनाया जाता है मुख्तलिफ चीफ मिनिस्टर के साथ, इसको हम कबूल करने को तैयार नहीं, दे विल बी बैक ऑन ड्यूटी। और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल क्या पैदा हो सकती हैं? गिरफ्तारियां होंगी पंजाब में और भी, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस के तहत जिस किसी ने भी वायलेट किया है और नैब के पास उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, उन्होंने अगर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है तो सवाल तो करेंगे, उनका हक है मुझसे भी सवाल करें, आपसे भी सवाल करें, हमें क्या है कि हम उनके सवालों का जवाब दें, और अगर हमने कुछ गलत काम नहीं किया हुआ तो हमें नहीं खौफजदा होना चाहिए, अगर हमने कायदे जवाबत की वायलेशन नहीं की है तो हमें खौफजदा नहीं किया, अगर हमने कायदे जवाबत की वायलेशन की है तो फिर हमें ये मैप को बताना पड़ेगा ये कायदे जवाबत की वायलेशन किसके कहने पर हुई और क्यों हुई और इसकी वजूहत क्या थी। ठीक है, बहुत अच्छा आप एनालिसिस दे रहे हैं, लेकिन मजीद भी कुछ आपसे इफ्तिखार साहब जानना चाहूंगी, अंदर की खबरें भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नैब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दरमियान जो टसल है इसका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, हम बात कर रहे हैं नैब का पंजाब में किरदार और पिछले चंद दिनों में जो बड़ी गिरफ्तारियां, अहद चीमा के बाद शाहिद शफीक, और अब कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग से ही, स्पार्को से ही, और जो तीसरी कंपनी थी कासा के ज्वाइंट वेंचर के हवाले से उसमें से भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और हो सकता है कि कुछ मजीद सियासी गिरफ्तारियां भी हों। मियां महमूद रशीद साहब, आपको आइंदा ये सिचुएशन डेवलप होते हुए कैसी नजर आती है? खासतौर पर कुछ हल्के इस बारे में अफवाहें फैला रहे हैं या चहमगोइयां कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है थ्रू नैब पंजाब में, इसके पीछे कोई खुफिया हाथ हो सकते हैं, आपको लगता है ऐसे मियां साहब? देखिए, क्या खुफिया हाथ हो सकते हैं, नैब ने आज से साल डेढ़ साल पहले जब इसका आगाज किया तो बड़ा शोर मचा, हर तरफ से ये मुतालबा आया कि नैब जो है वो सिंध के अंदर तो सरगर्म हो गई है, वो बलूचिस्तान में तो सरगर्म हो गई है, लेकिन पंजाब के अंदर बड़े मेगा केसेस हैं 150 के करीब, और पंजाब के अंदर कोई बात जो है ना वो आगे नहीं बढ़ रही, यहाँ एक दो मिनिस्टर्स के इस तरह के स्कैम थे उसके ऊपर भी बात आगे नहीं बढ़ी, तो मुसलसल ये पूरे पाकिस्तान से आवाजें उठ रही थी कि पंजाब के अंदर भी नैब को अपना रोल अदा करना चाहिए, और जो बड़े बड़े केसेस हैं करप्शन के उनके ऊपर आए दिन ये आती रहती हैं बातें, तो उसको टेकअप करना चाहिए। मैं समझता हूं अब अगर नैब ने टेकअप किया है तो पूरी कौम जो है ना इनके इस काम को सताइश की निगाह से देखती है, जरूरत इस बात की है कि जो इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये इंतकाम हो गया है, हम ये चाहते हैं कि ये अक्रॉस द बोर्ड जिसके ऊपर भी इल्जाम हो उसे पूरा मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई का, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ना किसी के साथ इंतकाम होना चाहिए, आप अक्रॉस द बोर्ड, वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो कोई सियासी रहनुमा हो, उनके ऊपर जो भी इल्जामात हैं उन्हें तमाम जो कानूनी सहूलियात हैं कानून के अंदर वो भी उन्हें मिले, और फिर उसके बाद अगर वो प्रूव हो जाती हैं चीजें, उनके अंदर करप्शन प्रूव हो जाती है तो उन्हें करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए। ये इसकी वजह यह है कि नैब ने बहुत देर बाद इस सारे मामले को टेकअप किया, बदकिस्मती के साथ पिछले सालों के दौरान नैब जब कोई काम करता था तो नैब के चेयरमैन को उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर तक ने कह दिया कि आप शुरफा की पगड़ियां उछालना बंद करें,
और यही चीफ मिनिस्टर पंजाब है जिन्होंने कहा जी नैब के लक्षण बता दूं तो इनके पसीने छूट जाएं। मैं समझता हूं कि बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ मौजूदा जो नैब के चेयरमैन है वो अपना आईनी रोल अदा कर रहे हैं और पूरी कौम जो है वो इसको देख रही है और हम समझते हैं कि ये वाविला तो मचना ही है, जिसके ऊपर बात होती है वो शोर मचा देता है। ये मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने भी ये वतीरा पकड़ लिया है कि किसी दूसरी पार्टी का पकड़ा जाए तो ठीक है, अपनी पार्टी के पकड़े जाए तो उस पर शोर मच जाता है। अब नैब के चेयरमैन को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके इख्तियारात को सलब करने की कोशिशें हो रही हैं कि एक काउंसिल बना दी जाए और ये जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो काउंसिल के पास जो है ना पहले उसकी परमिशन हो, वो देख लें और उसके बाद उसकी इजाजत हो और फिर नैब के अंदर उसकी कार्रवाई शुरू हो। नैब के मौजूदा चेयरमैन जो है मौजूदा मुस्लिम लीग की हुकूमत ने इनको अपॉइंट किया हुआ है विद कंसल्टेशन ऑफ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप। तो मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया है, काश के ये सारा सिस्टम आज से दो दहाइयां पहले शुरू हो जाता तो हमारा मुल्क आज तबाही के जिस दाने पे खड़ा है और जिस तरह हमारे रगो रेशे में ये करप्शन सराहियत कर चुकी है इससे हम बच सकते थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब भी ये हो गया है बिल्कुल भी इस पंजाब में काम करे नैब तो नून लीग को बुरी लगती है, सिंध में काम करे तो पीपल्स पार्टी को बुरी लगती है। एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर वो अपना रोना रोता है कि उसको काम नहीं करने दिया जाता, उसके काम में सियासी मुदाखलत की जाती है। इफ्तिखार अहमद साहब, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी क्योंकि आप न्यूट्रल एनालिस्ट हैं इस मामले पर। देखिए मैं बिल्कुल कहता हूं अगर मैं चोर हूं और मैंने वायलेशन किए रूल्स की, रेगुलेशन की, कानून की, तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। मेमोरेशन की बात में वजन है लेकिन वो सजा देते वक्त ये न नजर आए कि आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, किसी के कहने पे मुझे सजा दे रहे हैं। जो केस है ओपनली आप शेयर करें विद द पब्लिक, विद द पीपल, अखबारात के जरिए, मीडिया के जरिए, और जो सफाई का मौका है वो भी दिए। ये तो नहीं ना कि आप मुझे सफाई का मौका ना दें, एक तरफा ही कार्रवाई आप करना चाहें तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। यही तो बदकिस्मती है कि जो अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई थी नवाज शरीफ के दौर में वो भी उसके भी नतीजे निकले। इफ्तिखार साहब, जो जिस पर इल्जाम लगता है उसको सफाई का मौका तो अदालत में मिलता है, तो आप समझते हैं कि अहद जो गिरफ्तार किया गया है यहाँ पर सफाई का मौका नहीं? देखिए मैं गरीबा जो ये नैब के पास में जो मैं रिमांड में रहता हूँ उस रिमांड में क्या होता है, मुझ पर क्या दबाव डाला जाता है, मेरे साथ क्या नफसियाती हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। कानून तो ये कहता है ना कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो 24 आम जो कानून है तो 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाए और फिर वो मेरा रिमांड दे देगा और उसी वक्त मुझे वकील की सहूलत मिल जाएगी। अब जब आप वकील की सहूलत नहीं देंगे, आप घर वालों से मुलाकात की सहूलत नहीं देंगे तो आप एक जो जहनी मुलाकात की आज नैब ने परमिशन दे दी है, ये मुझे नहीं बाकी तो कोई बात है ना कि आज ये है, अब आप कह रही हैं तो 3 दिन पहले क्यों नहीं दी गई? देखिए एक बिल्कुल ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, एहतसाब खुला एहतसाब हो तो देखो लोग कैसे पकड़े जाते हैं, लोग कैसे सजाएं पाते हैं। ये जो हम करते हैं ना कि ये तरीका जो हमारा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड प्रॉब्लम जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ये अच्छे वाले मामले को खराब कर देती है। मैं कहता हूँ जिन्होंने पैसा लूटा है खा वो कोई मेरा दोस्त हो, मेरा भाई हो, मेरा रिश्तेदार हो, मैं खुद क्यों ना हूं, आई मस्ट बी पुट ऑन द टास्क बट आई शुड बी गिवन ए क्लियर टाइम के मैं वकील के जरिए अपने मौकफ को पेश कर सकूं और उस मौकफ को सुनने के लिए कोई हो, और ये नहीं कि आप मुझे आके उल्टा लटका दें जिस किले में हमें उल्टा लटका दिया जैसा बोरियां बांध दिया थी हमारे जिसम पे और डंडे मार मार के बुरा हाल करते थे। जब पेश करते तो हम चीखते थे कि हमारे पे जुर्म हुआ तो पुलिस कहती जी क्या जुर्म हुआ। इफ्तिखार साहब वेरी वैलिड पॉइंट है, हैदर जमान साहब आपकी तरफ लेके आऊंगी। जो इफ्तिखार साहब का पॉइंट है कि इंसाफ होना चाहिए और साफ होना चाहिए, ये नजर नहीं आना चाहिए कि कहीं कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है, और इस वक्त जो कि हुकूमत पंजाब इसको पोर्ट्रे कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी भी एहतजाज कर रही है अपेरेंटली, वो यही कि जी विक्टिमाइज किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये एलिमेंट है? नहीं बिल्कुल, इफ्तिखार साहब अपनी जगह जो बात कर रहे हैं, हम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में आर्टिकल 10A को इंसर्ट किया एज ए फंडामेंटल राइट, राइट टू फेयर ट्रायल, तो हम तो बिल्कुल अदालतों के और अदालती फैसलों के सबसे ज्यादा तो हम डसे हुए हैं और हमारे खिलाफ जितने फैब्रिकेटेड केसेस बने सैफो रहमान के एहतसाब ब्यूरो से लेके और उसके बाद आज तक हमने किया। और नैब की आपने बात की, देखिए नैब को हमने सिंध में ऑपरेट करने से नहीं रोका, जब कोई भी इदारा
ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करता तो सवाल आठ उठते हैं। अब आप मुझे बताएं ना, पंजाब में कभी आपने सुना है कि एलडीए के ऊपर छापा डले और एलडीए का सारा रिकॉर्ड डीजी समेत उठा के ले लिया जाए और लाखों के ट्रांसफर्स होते हैं जेन्युइन लोगों के, वो तीन महीने के लिए वो बंद हो जाए, यानी लोगों की अजियत। तो सिंध में तो एक खास अंदाज से टारगेटेड की गई चीजें जो नहीं होनी चाहिए। बाकी एहतसाब के लिए हमारे वज़रा भी पेश हैं, हमारे कायदीन भी पेश हैं और बिल्कुल वी आर ऑल अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए वी आर फॉर। लेकिन यहां पे जो हो रहा है ये ओवर रिएक्शन है, ये जिस किस्म का रिएक्शन आया भाई, एक 19 ग्रेड अफसर और फिर उसको रातों रात 20वां ग्रेड दे देना, बिल्कुल नैब उसको ऑनरेबली रख रही है, उसको तमाम सहूलियात मैसर हैं जो उनके उनके कवानीन के तहत हैं, ये बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको इसलिए किया गया है कि नैब को पहले तो बयान देते थे ना वजीर आजम साहब खबरदार पंजाब में मत जाना, अब वो आए तो ये सारा के सारा, मैं आपको जिम्मेवारी से ये बता रहा हूं कि ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये सब स्टेज ड्रामा है। कह रहे हैं कि नैब ने तमाम तरह सहूलियात दे रखी है लेकिन नैब का ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है, प्रेशराइज करना चाहते हैं, फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी गई, बड़े मियां साहब ये भी आप कहेंगे कि ये रवैया नैब का दुरुस्त नहीं है कि आहत चीमा की फैमिली को उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई, आज दी गई इजाजत। सेकेंडली जो ब्यूरोक्रेसी का पॉइंट है, मेरा अगर सवाल सुन रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी का पॉइंट है कि जी नैब के हवालात से, और पंजाब काबीना ने भी अपने इजलास में उसको उठाया कि जी आप हवालात में से क्यों तस्वीरें रिलीज कर रहे हैं, इसका मकसद ह्यूमिलिएट करना है ऑफिसर्स को, क्यों आप मीडिया पे कदगन लगाना चाहते हैं जब एक सियासतदान को नहीं, ये आज जो फिर जारी की गई है ठेकेदार की तस्वीर उसी तरीके से गन लेके खड़ा और वो इस तरह से, यार ये कोई तरीका नहीं, तो मीडिया को जाने दो ना, फिर मीडिया को कैमरे लेके जाने दो, फिर मीडिया जो देखे वो मीडिया दिखाए, ये सेलेक्टिव किस्म की रिपोर्टिंग मत करो ना, ये सेलेक्टिव रिपोर्टिंग सेलेक्टिव किस्म की बिल्कुल गलत है, ये कोई इंसाफ के ये तो जेआईटी के सामने भी सेलेक्टिव किस्म की रिपोर्टिंग हुई थी, गलत है, ठीक है, गलत है, ठीक है, जो आपकी बात अपनी जगह दोस्त है, जो सेलेक्टिव रिपोर्टिंग है या नहीं है, नैब पर तो हमला प्लान, हम नैब पे तो हमला प्लान कर रहे थे कल रात, और मेरी बात सुन, हमला प्लान, एक मिनट मेरी बात सुन रहे, किसी आदमी के साथ कोई जाति नहीं करनी चाहिए, खा मियां नवाज शरीफ हो, खा असद जरदारी हो, खा वो समीउल हक साहब हो, खा वो अपना कोई भी हो, एनीबॉडी, खा वो आप हो, खा वो मैं हूं, खा वो अपना खुर्शी अपना मेरा मियां रशीद हो, ठीक है, ये गलत बात है कि आप तस्वीरें उतार के संग भेजें, व्हाट यू वांट टू कन्वे कि यू आर मोर पावरफुल देन देन, ये इगोइज्म है। इफ्तिखार साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट स्टार्ट हो गई है क्योंकि जेआईटी की हियरिंग्स के दौरान, पानामा केस की हियरिंग के दौरान हुसैन नवाज साहब की भी एक ऐसी ही तस्वीर आई थी, वो किसने लीक की आज तक पता नहीं चल सका, बावजूद इफ्तिखार साहब यही से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, रेस्ट का शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद डिस्कशन यहीं से करेंगे जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी एक गर्मा गर्म बहस चल पड़ी थी कि जिस तरह से जीआईटी के हियरिंग्स के दौरान, पानामा केस की हियरिंग्स के दौरान हुसैन नवाज साहब की तस्वीर लीक हुई थी, जिसपे एक बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया था कि गवर्नमेंट बताए कि किस बंदे ने तस्वीर लीक की थी, उस तरह की तस्वीरें अब आहत चीमा की नैब हवालात से, शाहिद शफीक की ठेकेदार की नैब हवालात से सामने आई है। ये बहस शुरू हो गई है कि क्या इसका मतलब ह्यूमिलिएट करना है, क्या इसका मतलब कोई जानबूझ के एक इंप्रेशन देना है। हैदर जमान साहब, देखिए खरीदा, देखिए मैं इसको उस तनासुब में नहीं लेता, इफ्तिखार साहब बिल्कुल हमारे सीनियर हैं और उनको जर्नलिज्म पर हमसे ज्यादा अबूर है, बट हम इसको समझते हैं कि एक फैक्ट रिपोर्ट किया गया कि वो अंडर अरेस्ट है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की तस्वीर है, बीबी साहिबा की तस्वीर है, प्रिंट मीडिया में छपी है, माजी में वो गैलोज में खड़े हैं, जेल के अंदर उनकी तस्वीर है, तो ये कोई अपने आप को कह देना कि हम इतने अबाव द लॉ है कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई हमारी तस्वीर छापी, भाई नैब है उसने छाप दी, अच्छा किया बुरा किया, असल बात तो यह है कि आपको यह कहना चाहिए कि वेदर इज बीइंग अलाउड ड्यू प्रोसेस, वेदर ही इज कोऑपरेटिंग, उसको तीन बारी नोटिस भेजा वो नहीं आया। अब आप मुझे बताएं, जो बंदा डीजी एलडीए था उसने 20 लाख की सैलरी पे आशियाना का भी आपने उसको सीईओ बना दिया, डीएमजी अफसर की भी उसने तनख्वाह ली, और उसने जब वो डीसीओ लाहौर था किस तरीके से पंजाब में अफसरों पर जो है टॉर्चर किया और किस तरीके से उसने ये सारी एम्पायर बनाई, 14 आपने बताया, आप मुझे बताएं, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पंजाब में है लेकिन
इस वक्त क्यों, टाइमिंग के बारे में सवाल किया जा रहा है। इस वक्त इसलिए कि आप जो है नए चेयरमैन नैब आए हैं, पहले वाले चेयरमैन नैब जो है मियां साहब की जो है जो है जो है क्या कहते हैं उनकी उनके कहने से पहले कि वो पीपल्स पार्टी की कंसर्न शामिल थी। पीपल्स पार्टी, देखिए मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी नहीं, पूरी ऑपोजिशन से कंसल्टेशन होती है और खुर्शीद शाह साहब उसकी तर्जमानी करते हैं। लेकिन हम जब एक शख्स को बनाते हैं राइटली और रॉन्गली, हम एक असेसमेंट करते हैं कि बंदा कैसे बेहतर है। किसी और तरफ से जा रहे हैं और तरफ हम चले गए, बट मैं आपसे बात नहीं, बहस को किसी और तरफ से जा रहे हैं। मुझे, मैंने जो सवाल रेज किया था मैं वापस वहीं पे जाता हूँ। किसी को कोई इख्तियार नहीं है किसी को ह्यूमिलेट करे, खा वो कितना ही बड़ा करप्ट क्यों ना हो, खा वो कितना ही बड़ा फ्रॉडिया क्यों ना हो, ता वक्त के बिल्कुल आए कानून साबित न कर, नहीं नहीं ता वक्त के कानून साबित न कर दे। इस्तखार साहब आई एग्री विद यू, किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, फिजिकल टॉर्चर नहीं करना चाहिए, मेंटल टॉर्चर नहीं करना चाहिए। मेंटल ब्लॉकों के आता है, तरफ के ब्लॉकों पे टॉर्चर क्या आता है नहीं, अगर जवान साहब मेंटल टॉर्चर क्या आता है, जब हम जैसे लोगों को पॉलिटिकल वर्कर्स को किले में ले जाया जाता है तो क्या हमारे साथ वहां पे बुफिंग टाइम खेलते थे? नहीं, जगह खेलने के लिए में एक जगह में किलो में था आमिरों की हुकूमत में और एक डेमोक्रेटिक आमिर साहब ना आमिर बेचना जाके हो यार, आमिर नहीं जो कार नहीं पुटर का दौर थी वो भी जैसे किले छड़क के भुगत क्या छोड़ो। बस कुछ और है क्या, किसी को दूसरे आदमी को ह्यूमिलेट करने की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई एग्री विद यू। आई हैव टू सेल्फ गिव सेल्फ रिस्पेक्ट टू एवरी इंडिविजुअल। ओके, दो। तीसरा है सजा दो अगर तुम्हारे पास सबूत हैं। तीन, पिक एंड चूज मत करो। चार, विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। पांच, और फिर मैं ये सवाल नहीं करता अब क्यों याद आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी 5 महीने हैं, 1 महीने में सारी गिरफ्तारियां मुकम्मल कर लो अगर तुम्हारे पास मुकदमात हैं। जैसे जैसे तुम लेट होते जाओगे, जैसे जैसे तुम इलेक्शन की कई गिरफ्तारियां करोगे, आप लोग इनडायरेक्टली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बढ़ाते जाओगे। इफ्तिखार साहब थैंक यू सो मच, यही मेरा पॉइंट था कि टाइमिंग कितनी मैटर करती है, क्योंकि जितना जितना इलेक्शन इंतखाबात नजदीक आते जाएंगे, सेनेट इंतखाबात तो अब चंद दिन की दूरी पे रह गए हैं ना, तो अगर आप इस तरह की गिरफ्तारियां करेंगे नून लीग के खिलाफ तो अल्टीमेटली वो विक्टिम कार्ड यूज करेंगे जिसका उनको अल्टीमेटली पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल फायदा होगा। मियां महमूद रशीद साहब, यही पॉइंट लेके आपके पास आऊंगी। सर, टाइमिंग आपको बॉदर कर रही है? देखिए, मैं समझता हूँ जी, पहले हो जाना चाहिए था, और इस पर मुख्तलिफ जगहों से ये आवाज़ें भी उठी कि पंजाब के अंदर ये सारा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब अगर हो रहा है तो सिर्फ इस डर से कि वो पॉलिटिकल उनको फ़ायदा हो जाएगा और ये जो है ना पेंडिंग कर दिया जाए, आइंदा इंतखाबात के बाद करेंगे, तो इस बात की तो बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं कहा भाई, पेंडिंग नहीं कहा भाई। जी नहीं, आप नहीं, गरीदा कह रही हैं, आपका नहीं, मैं बात कर रहा, गरीदा कह रही हैं कि ये इसको जो विक्टिमाइज होने का कार्ड है इसको पॉलिटिकली वो इस्तेमाल करेंगे और सियासी फायदा उन्हें होगा। मैंने कहा जी ये इतनी कमजोर दलील है कि इसकी बुनियाद पर ये जो सिलसिला एहतसाब का शुरू हुआ इसको पेंडिंग नहीं किया जा सकता। आप अगर आपके पास होमवर्क है, आपने आपके पास सबूत हैं, आप बिल्कुल गरीदा की मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि इसको डिले करने की बजाय और किसी एक केस के ऊपर आप हफ्तों लगा दें, आप अपना स्टाफ बढ़ाएं और अपनी स्पीड को आप तेज करें कि ये आइंदा चंद हफ्तों के अंदर जो मेगा करप्शन के केसेस हैं उन सब में से नहीं तो आप प्रायोरिटीज कर लें कि इन इन केसों को हमने पकड़ना है और अक्रॉस द बोर्ड पकड़ें। उसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं, उन सबको सबकी बारी आनी चाहिए। हम तो बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि ये तासुर जाए कि जिससे मुस्लिम लीग नून फायदा उठाएगी कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले ब्यूरोक्रेट या सियासतदान जो है ना इनके ऊपर कोई अताब आ गया है, इनको निशाना बनाया जा रहा है, इनके पीछे कोई दरपंदा कुव्वत है जो इनको ये जो है ना एहतसाब करवाने पर मजबूर कर रही है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए, इससे तो उल्टा उनका फायदा हो जाएगा मुस्लिम लीग नून का। हम समझते हैं, लेकिन मियां साहब यहाँ पर मुझे सवाल करने दीजिएगा कि नैब ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, जिस जिस की अगर कहीं पर भी बदउनवानी
का शुबा मिलता है सबूतों के साथ वहां इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन मियां साहब यही मामला जब हम पीटीआई के साथ देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अब्दुल अलीम खान साहब का मामला, तो वो नैब के सामने जाती तौर पे अभी तक पेश नहीं हो रहे। ऑफशोर कंपनीज के हवाले से तफसीलात अभी तक नैब को उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, बावजूद इसके कि कई नोटिस हो चुके हैं, कम से कम 4 या 5 नोटिस। शहबाज शरीफ साहब को नैब बुलाती है तो वो फौरन नैब के सामने पेश भी हो जाते हैं, तो ये भी तो एक हमें फर्क नजर आता है रवैयों में पीटीआई के, जबकि आप लोग करप्शन, आपका थीम ही, आपका पॉलिटिकल स्लोगन ही करप्शन से पाक पाकिस्तान है। देखिए, ये आपकी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। अब्दुल अलीम खान 2 दफा नैब में पेश हो चुके हैं, अब दोबारा कल अगर उन्होंने बुलाया है तो कल भी वो पेश होंगे अपने वकील के साथ और अपने जो उनके फाइनेंस मैनेजर या अकाउंटेंट है उनके साथ। इसलिए ये बात सर मैं कल के हवाले से बात कर रही हूँ, कल के हवाले से अब्दुल अलीम खान साहब ने कहा है कि वो जाती नहीं वकील के जरिए पेश होंगे, जबकि नैब उनको जाती तौर पर बुला रही है। चले देखें, वो तो वकील अगर जा रहा है तो वकील बताएगा कि नहीं जाती तौर पर आए, और जाती तौर पर भी वो पेश होंगे। हम अगर सबके लिए कह रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड हो, वो पेश होके अपनी सफाई देंगे, सफाई नहीं दे पाएंगे तो जो कानून किसी दूसरे के लिए हरकत में आएगा वो इनके लिए भी हरकत में आना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस सिस्टम को अब बिल्कुल अनबायस्ड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ये पिक एंड चूज इसमें नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मियां महमूद रशीद साहब। बिल्कुल, मैं मियां साहब की बात को आगे थोड़ा सा पॉइंट बढ़ाना चाहूंगा। खरीदा, देखिए, जस्टिस शुड बी सीन टू हैव बीन डन, जस्टिस शुड नॉट बी बुलडोज, हमारे ये पैरामीटर्स हैं। उसकी पॉलिटिकल किसी को फायदा होता है या नुकसान होता है वो उसकी पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं। नून लीग को फायदा हो या नुकसान हो, हमें ये देखना है, अदालतें और जो जुडिशियल प्रोसेस है वो ये नहीं देखता कि इस फैसले का क्या होगा या नहीं होगा। हमें ये देखना है कि जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने सूबे को लूटा है अपने क्रोनीज के जरिए इन अलल्ले तलल्ले प्रोजेक्ट करके, उनको पाबंद सलासल होना चाहिए आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। अगर आपने उसका कोई बेनिफिट उठाना है तो पाकिस्तान की आवाम देख लेंगे, वो इतने बच्चे वो पाकिस्तान की आवाम अपनी कंप्लीट कर रहे थे। जी इफ्तिखार साहब, देखिए ये बात यह है, मैं एक दफा फिर कहूंगा, मुझे नैब पर इत्माद है। ठीक, दावत पे कि नैब वो अपने इत्माद खो ना बैठे, इत्माद है कार्रवाई करे, कार्रवाई शफाफ होनी चाहिए। ठीक, ऐसा ना हो कि इस कार्रवाई की बिना पर तमाम प्रोजेक्ट रुक जाए, हर चीज रुक जाए, ऐसा नहीं।